मुसरा रोड की बदलती दुनिया, जिस गांव के जाने के लिए रास्ते कच्चे होते थे वो इस प्रकार पक्के हैं, और बदलते दौर का ग्रामीण परिवेश जो बताता है कि शहर विकसित होते समय कैसा स्वरूप लेते हैं, ये आप इस सड़क को देखकर समझ सकते हैं। मेरी मुस्तरा के लिए जाने वाला यह जो रास्ता है, आपको हम काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये डडियापुरा बाबा का अटा का इलाका है और मुस्तरा गांव की तरफ जाता है, जहाँ काफ़ी बदलाव हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये हम आपको रास्ते ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये मुख्य सड़क पर ही इस प्रकार का गड्ढा है। निश्चित तौर पर यह दुखदाई हो सकता है, पूरी सड़क ही यहाँ से वहाँ तक खराब नज़र आ रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से कारीगर अपनी कला को अंजाम तक देते हैं। सड़क भले ही खराब हो लेकिन बस्ती का विकास बताता है कि यहाँ बदलाव हुआ है। बड़ा गांव गेट बाहर डडियापुरा बाबा का अटा इलाका, ये आपने यहाँ देखा। ये खेत अब इस प्रकार भवनों में तब्दील होते जा रहे हैं और ढलती शाम ये इस इलाके के अंदरूनी हिस्से को देखिएगा, तो यहाँ आपको सड़क तो नज़र आएगी नहीं और नालियों को बनाया ही नहीं गया है। यूँ कह सकते हैं कि आवास बहुत खूबसूरत हैं, पूरी मेहनत से बनाए गए हैं, लाखों रुपए की कीमत लगाई, लेकिन सड़क नहीं है, नालियाँ नहीं हैं। अब कैसे यहाँ पर लोग पानी की निकासी का इंतज़ाम करते हैं ये आप खुद देख सकते हैं। खुद की बनाई हुई नाली है ये, और यही आगे तक पानी को, जो घरों का पानी है उसको ले जाती है, चाहे वह यहाँ से निकलने वाला पानी हो। ये देखिएगा कि अब कितना मुसीबत में यह लोग यहाँ से रहते होंगे, ये बड़ा समस्या है। तो ये बाबा का आटा का इलाका, जहाँ मकान हैं, किन इन मकानों के सामने नारकीय जिंदगी है, जो बच्चे लोग परेशान होते होंगे, गिर जाते होंगे छोटे छोटे बच्चे ने। गिर परत के काटते ही नन्हे बच्चा बिन के मारे नल्ली के मारे से निकल ही नहीं पाते बच्चा, देखो जी ये छोटे छोटे ऐसे टांग रहे, तनके ला रहे थे, से निकल जाएंगे नल्ली में गिर जाते ही। आप ये बताओ बेटा कि यहाँ पे जो मुख्यतः जो सड़क की समस्या है, इसको लेकर किसी को संज्ञान में दिया कभी? आ चुकी बार बार, वो आते हैं चले जाते हैं। अच्छा अच्छा भाई, आगे बता, आप आए दो चार दर्जन और आए लोग, वो आएंगे देख जाएंगे, कुछ नाप जाते हैं भाई चांस, और डरता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बस देख नाप के चले आएंगे। आप समस्या है, आपने स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद, महापौर, उन लोगों को कभी बताया? एक बार नहीं, कई बार बताया। अच्छा अच्छा, हाँ। और उसके अलावा मेन चीज क्या है, कभी तो वो लोग इधर आए ही नहीं है। अच्छा ठीक, और उनके मतलब कई बेर मतलब कागज, और मतलब हम लोग मोहल्ले वासी कईयों बेर मतलब उनके आवाज मतलब उनके स्थान पे कई बार गए शिकायत की, तो मतलब कोई एक्शन ही नहीं है, बस उस टाइम जाते हैं तो हाँ हाँ हो जाएगा, उसके अलावा कोई चीज़ें तो होते ही नहीं। ठीक है, बाकी अलावा अभी जो नए पार्षद, इस नारकीय जिंदगी को जीते आटा के इलाके के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी अच्छी सड़क, अच्छी नालियां मिले, ताकि उनके बच्चे परेशान ना हो। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी। जी ये वार्ड नंबर जो 50 है,
यहाँ पर ये बाबा का आटा का इलाका कहलाता है, बड़ा गांव गेट बाहर का। यहाँ पर आपने आज ये देख रहे हैं कि सड़कें कितनी अच्छी हैं। क्या क्या यहाँ के लोगों की समस्याएं आपके संज्ञान में आई हैं? देखिए, यहाँ जो वार्ड नंबर 50 बाबा का आटा जो क्षेत्र है, यहाँ की मुख्य समस्या सड़क है। और सड़क ना होने से नालियों का निर्माण नहीं है, एपेक्स नहीं बिछे हैं और व्यवस्थित तरीके की नालियाँ नहीं है। आप ये देखिएगा कि अभी यहाँ थोड़ी दिन पहले पानी बरसा था, लोगों का कहना था कि यहाँ तक पानी भर गया था। आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, अगर किसी को ना मालूम हो तो कार इतनी डूब जाए आगे से, मतलब इतनी डूब जाए किसी बच्चे को ना मालूम हो, अगर छोटा बच्चा आ रहा हो अगर उसमें चला जाए तो ये समझो कि वो पूरा ही डूब जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं, हम लोग स्मार्ट सिटी झांसी की बात करते हैं लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर आधा सा भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी जो है सिर्फ इलाइट के, जैसे पहले भी मैंने कहा है कि स्मार्ट सिटी इलाइट के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ तक ये लोग कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो हम लोग बिल्कुल नीचे से उठाए महापौर हों, उसके ऊपर विधायक हों, फिर सांसद हों और फिर जो बाढ़ की जिम्मेदारी जिनको पार्षदों को जीत दी जाती है, वो जीतने के बाद इन क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं और अगर उन्हें समस्या दिखती है तो वो उनको उठा ही नहीं पाते। उन्हें यही नहीं पता है कि इन समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा, कहाँ किया जाए। अगर वो सदन में नगर निगम में वार्ड उठाते हैं बैठक में तो उनकी बात को महापौर जी सुनते ही नहीं, अपने चहेतों को ठेके देते हैं और अपने जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको ही काम दिया जाता है। नगर निगम में ही आता है, स्थितियां बहुत खराब हैं। तो भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी आंदोलन में है।